हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गांडोगा। फ्रेंड्स अभी देखिए, अभी धूप का सीजन चला गया है, अभी मौसम थोड़ा बदल गया है, अभी बारिश का सीजन आ गया है। और मैं और मेरा साथ ये एक नया कंटेंट है। हाय करो, हाय करो। हाय। और ये सुमन जी और ये राहुल, हम सब मिलकर आए हैं। हमारा गांव से एक दूर जगह है, बहुत बड़ा जंगल है और पहाड़ भी वहाँ पे, तो बारिश का सीजन में पूरा सारे जगह ग्रीन ग्रीन हो गए। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए, और हमारा घर में भी बोल रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारा हिस्टोरिकल चीज को देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग भी जा रहे हैं क्योंकि बारिश में वो सारे ग्रीन ग्रीन लगेगा। तो हम लोग जा रहे हैं, आप भी हमारा साथ मत जाइए, बहुत बैठ के देखिए। हेलो, हेलो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और हम लोग कैसे जा रहे हैं, आप हमारा वीडियो को ऐसे कंटिन्यू देखिए। और हमारा वीडियो में जो पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक, और वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए कैसे लग रहा है, कमेंट में करें दिखाए। और ये भी हमारा हिंदी में थोड़ा बात बोलेगा, बोलो सब्सक्राइब करो भैया, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। बस वो नया कंटेंट है इसीलिए थोड़ा डाउन है, जब पुराना हो जाएगा तो पूरा चिल्ला के बताएगा। तो चलो चलो। अभी देखिए हमारा पहाड़ का इलाका में इलाका पास हो गया है हम लोग का, और हम लोग तो दो तीन गांव क्रॉस करके आ चुके हैं, हम भी ये गांव नहीं देखे थे। और इतना अच्छा प्यारा लग रहा है ये जगह भाई। जय जगन्नाथ। वाओ, इतना अच्छा स्पेस है, हम लोग भी नहीं देखे थे, हम लोग आज पहली बार आए हैं। और देखिए हमारा मेरा पास में यहाँ पे कितना बड़ा पहाड़ है, बहुत सुंदर। अभी बारिश का सीजन है, सारे ग्रीन ग्रीन हो गया है, और यहाँ पे एक तालाब सूख गया है, वहाँ पे जो लोटस का फ्लावर है, बहुत सारा लोटस का फ्लावर है, और ये लोग सब सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे सेल्फी फोटो खींच रहे हैं। तो हम लोग अभी जाएंगे पूरा लोटस, बहुत सारा लोटस पकड़ेंगे। और देखिए ये सारे यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा लोहा पड़ा हुआ है, शायद किस काम के लिए आया था लेकिन अभी नहीं हो पाया है। आम का लोहा देखिए, मेरा साइड में कितना बड़ा डैम है, अभी ये डैम सूख गया है क्योंकि बारिश नहीं था, धूप का दिन था, अभी धूप का सीजन चला गया है, जो बारिश आया है, जब बारिश ज्यादा होगा तो डैम पूरा भर जाएगा। और मैं आप सारे लोग को एक एडवाइस मतलब एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब ये सूख गया ना, जब पानी का सीजन मतलब पानी ज्यादा हो जाएगा, तो इस जो भी पानी का स्पेस में है, देखिए हम लोग को रील्स बनाने के लिए इतना मजबूर पड़ जाते हैं कि पानी का अंदर गिर जाते हैं। कोई न्यूज में तो बहुत सारा पता चल गया कि कितना कितना लोग का डेथ हो चुका है, अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ देख रहा था। ऐसे मत कीजिए, अच्छा से वीडियो बनाओ, लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन डेंजरियस, वेरी डेंजरियस स्पेस जो भी होता है, आपको लग रहा है कि हमें डर लग रहा है कि हमें जाने का मन नहीं कर रहा है, तो मत जाओ। तो आप लोग वीडियो बनाओ, एंजॉय करो, लेकिन जो डेंजरियस स्पेस है उसका अंदर मत घुसो। फ्रेंड्स देखिए, मेरा साइट में कितना बड़ा तालाब है, और तालाब में ये कितना सारा फ्लावर है, देखिए ये है लोटस फ्लावर, इंग्लिश में उसको लोटस बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं मैं गूगल में सर्च नहीं किया, अभी सर्च करके बता दूंगा। तो आपका इलाका में इस फ्लावर का नाम क्या है बताइए। और देखिए कितना सारा फ्लावर, अभी सुमन जा रहा है फ्लावर लेने के लिए, वो तो पूरा नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल मतलब व्यू जितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और मैं भी फ्लावर पकड़ेगा। ओ, 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 और ये जो खूबसूरत फ्लावर है जगन्नाथ जी का, ये सबसे प्यारा फ्लावर है, और माँ लक्ष्मी का जी, लक्ष्मी का भी ये भी बहुत सारा प्यारा फ्लावर है, लोटस फ्लावर हम भी लेंगे, और हम हमारा घर में जो जगन्नाथ जी है उनको ये सारे फ्लावर देंगे। आप लोग तो देखा है ना कितना अच्छा से यहाँ पे लोटस, बहुत सारा लोटस फ्लावर है, और बहुत अच्छा, मतलब हमको आज इतना अच्छा लग रहा है कि आपको मैं बोल नहीं सक रहा हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को मतलब सोचो कि कैसे लग रहा है ये वीडियो,
और ये लोकेशन, और देखो मेरा पास में कितना सारा फ्लावर है। चलो उधर उधर, इतना अच्छा व्यू है इधर। और हम लोग तो आज आए हैं ये जो लोटस फ्लावर को लेंगे। मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा भी हेल्प कर रहा है मुझे, देखिए। एक खाने का चीज मिल गया है अभी। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग बहुत सारा लोटस का फ्लावर लाए हैं कि हमारा जो राधा कृष्ण जी आश्रम है उनको अच्छा से आज देंगे। वो ये मेरे छोटा बच्चा है गांव का, ये अच्छा से हेल्प किया करो। हाय हाय हाय, ये और ये देखिए उसको भी ज़्यादा शर्म है, हाय कर दे। हाँ हाँ, ये सब मिलके आज मेरे को बहुत सारा सपोर्ट किए, उसके वजह से मैं आज इतना सारा लोटस का फ्लावर खींच लाया है। थैंक यू उन लोग को। हाय फ्रेंड्स, ये जगह में हम लोग बहुत सारा सेल्फी ले चुके हैं, बहुत सारा इंस्टा में वीडियो बना चुका है, और देखिए सारे लोग लग चुके हैं उनका इंस्टा में वीडियो बनाने के लिए। तो हम लोग अभी नीचे का व्यूज देख मतलब देखा दिए हैं, अभी हम लोग जाने वाला है पहाड़ का ऊपर। पहाड़ का ऊपर में क्या है हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग जाने के बाद मालूम आ जाएगा। और वो वीडियो जिसको जिसको बहुत अच्छा लग रहा है कि आने का मन कर रहा है तो हमारा वीडियो को आए कमेंट करिए कि हम लोग को आपको लोकेशन बता देंगे तो आ जाएंगे। और यहाँ पे पूरा पिकनिक स्पॉट, इतना नेचुरल व्यूज है कि आप लोग को एक दिन भी फीका पड़ जाएगा, मतलब मन होगा कि मैं और एक दिन रह जाऊंगा रहने के लिए। तो बहुत बढ़िया अच्छा व्यूज है, देखिए पूरा मेरा सामने भी बहुत बड़ा डैम है और चारों तरफ पूरा पहाड़ों पहाड़ों है। चलो अभी हम लोग पहाड़ का ऊपर जाने वाला है। With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm, play with me like cats and fish. Friends देखिए ये कितना सुंदर सा मतलब फूल है, फ्लावर्स, जंगल का इतना न्यू वेराइट फ्लावर है। आओ, मैं तो आज पहली बार ही देखा इतना सुंदर फ्लावर। वाओ, सो वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। ये सब यहाँ पे क्या है उसके अंदर में क्या चीज़? ये है फल है उसका, उसको हम लोग नहीं खाएंगे, फेंक देंगे। फ्रेंड्स सुनिए, जंगल में कितना जोर से एक आवाज आ रहा है। हम लोग जब पहले से सुना तो हमको बहुत सारा डर लगा, लेकिन ये देखा तो ये इतना छोटा छोटा कीड़ा है, कीड़ा का इतना जोर से पूरा आवाज कर रहे कि हम लोग सोचे कि सांप है। देखिए सुनिए सुनिए आप लोग उसका साउंड कैसे। पहले तो हम लोग जब सुना तो बहुत सारा डर गए थे, लेकिन अब देखा तो ये इतना सारा जो कीड़ा है। जंगल में तो ये जो छोटा छोटा पेड़ है, छोटा छोटा पेड़ में कुछ फल लगा है, वहाँ पे कुछ पक गया है, और ये तो पूरा मिट्टी मिट्टी जैसे लगेगा। ओ ये वाला, और मेरा हाथ तो मिट्टी हो गया है, लेकिन मैं उसको इसे ला के देखो। और भी कहाँ? यहाँ पर आगे और भी है बहुत सारा, यहाँ पे है। और हम लोग उसको देखो, मैं खा रहा हूँ तो उसको खाने में क्या क्या बेनिफिट मिलता है? उसको खाने में हमारा जो इम्यूनिटी पावर, बहुत सारा इम्यूनिटी पावर मिलता है, जो कि हमारा सारे जितना भी सारे डिजीज है उससे आपको बचाएगा। बहुत सारा इम्यूनिटी पावर है क्योंकि ये तो नेचुरल है। और ये आप लोग देखिए, ये जो मतलब है ना, उसको आप लोग ब्रश जैसे यूज करेंगे तो पूरा दांत का बहुत सारा, मेरा मोबाइल पकड़ो, और उसको आप लोग ना पूरा ब्रश जैसे यूज करेंगे तो आपका दांत का जितना सारा डिजीज है सारे खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो, वो पेड़ का नाम क्या है? वो पेड़ का नाम मैं गूगल से मार के बता दूंगा अभी, मेरा याद नहीं। ये हमारा उड़िया में नाली गबो बोलते हैं, रेड, और गबो का हिंदी क्या पता नहीं है मैं। देखिए ये ब्रश करेगा तो आपका सारे दांत का जितना सारे डिजीज है सब चला जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं जंगल का अंदर एक छोटा सा एक उधर पकड़ा है। आओ, कितना सुंदर लग रहा है, ये पेड़ का पत्ता जैसे लग रहा है। वाओ, ये भी पूरा नेचुरल है। वाओ, क्या डिजाइन है, ये कितना सुंदर है। ये
चल रहा है। देखिए ये पूरा आपको पेड़ों जैसे लगेगा, छोटा छोटा पत्ता जैसे लग रहा है, ये पत्ता से बना हुआ है, लेकिन ये भी चल रहा है और अच्छा से मेरा हाथ में। ओ हम लोगल में उड़ा लेंगे। ओ चला गया ये। हाँ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक हम लोग जंगल का अंदर एक चिड़िया का घोंसला मिला है, और ये जो लेमन का पेड़ में एक चिड़िया का घोंसला आप देख सकते हैं। और कौन सा चिड़िया हम ले, हम तो हाथ नहीं मारेंगे क्योंकि वो जो कुछ का उसका अंडा या छोटा छोटा चिड़िया होगा तो फिर गिर जाएंगे, इसलिए हम लोग हाथ नहीं मारेंगे उसको। अच्छा से देख लेने देखिए। ओ वाओ अच्छा से जूम करके देखा कितना सुंदर घोंसला है, चिड़िया का घोंसला। आंवला का पेड़ है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए आंवला का पेड़, ये नींबू का पेड़ है, ये पूरा नेचुरल जंगल है। यहाँ पे सब वेराइटी का यहाँ पे फ्रूट मिलता है, आम है, नींबू है, आंवला है, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन तुम किधर हो? अबे इधर आ जा। तो बाइक फंस गया तो जंगल के बीच, वो क्या करेंगे अब, अभी तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके आऊंगा। रास्ता भारी डेंजरियस भाई, बारिश की वजह से रास्ता पूरा खराब हो गया, पैदल में जाना पड़ता है। देखिए रास्ता कितना खतरनाक रास्ता है, इसलिए गाड़ी में चला नहीं पाया और मेरा दोस्त को दे दिया है। और ये रास्ता बहुत डेंजरियस रास्ता है, हम लोग पैदल से जा रहे हैं, गाड़ी कितना प्रॉब्लम से आ रहा है। ओ बाप रे रास्ता इतना डेंजरियस कि मेरा टायर में अभी कितना कीचड़ लग गया है, गाड़ी स्लिप कर रहा है, गाड़ी नहीं जा रहा है बाप रे। और मेरा दोस्त का गाड़ी देखिए वो भी लग चुका है, खराब हो गया। ये क्या हुआ? हे कैसे हुआ? पुष्पा नाम सुन के समझा क्या फायर है में? ओ माय गॉड भाई, ये भाई क्या क्या देखने पड़ा, सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ भाई, देख ले देख लो कि हमारा गाड़ी आगे नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग नया तरीका बना रहे हैं कि गाड़ी तोड़ के अभी जा रहे हैं, गाड़ी आने कीचड़ नहीं लगेगा इसलिए बनाए हैं। और फ्रेंड्स देख लिए हम लोग बहुत सारा परेशान हो गए कि क्योंकि जंगल का अंदर घुस गए हैं, और ये जो मिट्टी का रास्ता है ना यहाँ पे पूरा कीचड़ लग गया है, हम बस जा पा रहे हैं नहीं तो आगे भी जा पा रहे हैं। हम लोग यहीं से फिर रिटर्न जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं घर पर, फिर जब मतलब सीजन थोड़ा चेंज होगा कि धूप का सीजन होगा तो हम लोग फिर एक बार आएंगे। और ऊपर में क्या क्या लोकेशन है हमको सारे आपको ये लोकेशन में ये वीडियो में जो पार्ट टू में मिल जाएगा। और देखिए शिबू का गाड़ी कैसे कीचड़ साफ कर रहे हैं यहाँ पे हमारा, ये फिर एक मतलब एक डिफरेंट तरीका का मजा है हम लिए आज। रुको फिर जब आएंगे दोबारा आराम से उधर आ जा, और एक गाड़ी देख ली, ये देखिए ये मेरा गाड़ी देखिए, मेरा गाड़ी में बहुत सारा कीचड़ जमा गया है। तो मतलब